बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त एक मेकअप, फुल ग्लैम मेकअप, जो कि रिसेप्शन की ब्राइड भी कर सकती है, निकाह ब्राइड, इंगेजमेंट ब्राइड भी कर सकती है, और आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई करीबी शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो आप भी कर सकते हैं। और इस तरह के कलर्स पे, गोल्डन, पीच, पिंक या ऑरेंज, इस टाइप के जो कलर्स हैं, लाइट कलर्स, उन पर ये बहुत सूट करेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। आप भी कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर को अप्लाई कर लीजिए फेस पे अच्छे से और अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। आज मैंने लेंसेस भी यूज़ किए हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ ये बेस। अच्छा, बेस भी आप अपने फेस के हिसाब से ही यूज़ करेंगे, जो भी आपको सूट करती है, जो कलर आपके टोन के हिसाब से है। मैं ज़्यादातर बेस लगाना पसंद करती नहीं हूँ, तो मैं जो भी मेरे फेस के हिसाब से, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से सूट करती हूँ, मैं वही बेस लगाती हूँ। ठीक है, अगर आप ब्राइड हैं तो आप कोई ज़्यादा अच्छी बेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बेस यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ये कंसीलर है मेकअप फॉरएवर का। मैं अंडर आइज़ में यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैंने अपने लव लाइन्स पर यूज़ किया है कंसीलर, और उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। तो बेस के बारे में मैं आपको बता रही थी कि बेस जो है, ये जो बेस आजकल जो बेस आ रही है, वो सब ब्राइड के फेस के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अब मैं एक और टच दूंगी कंसीलर का, क्योंकि हम लोग इतना जब ब्राइड का मेकअप हो रहा होता है, सही है, तो हम उस पर इतनी ज़्यादा चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, एंड तक मेकअप ख़त्म होने तक हम कोई ना कोई चीज़ फेस पे लगा ही रहे होते हैं। कि मेरा नहीं ख्याल कि ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा बेस लगाने से फेस बहुत गीकी लगता है। फिलहाल मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बॉर्जेस का फेस पाउडर अपने फेस पर। बिल्कुल हल्का हल्का टैप करना है आपने भी, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी कॉन्टोरिंग। कोई भी लाइट सा ब्राउन शेड लेकर आप कॉन्टोर कर लीजिए अपने जॉ लाइन को, चीक्स को, फोरहेड को, नेक को, जहाँ से भी आप कॉन्टोर करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए मैं अपने फेस के फीचर्स के हिसाब से किस तरह से कॉन्टोर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मेरे चीक बोन्स हाई ही हैं ऑलरेडी, तो मैं इनको मज़ीद इन्हांस करना चाहती हूँ। इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन की ये हाइलाइटिंग स्टिक। ये मैं नोज़ पर, फोरहेड पर, चिन पर और अपने चीक्स पर लगा रही हूँ, और अगेन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का टैप कर देंगे, तो इससे आपके फेस पे शाइन आ जाएगी और ग्लॉसी ग्लॉसी फेस लगेगा। टैप कर लीजिए और ब्लेंड कर लीजिए। नाउ आप अपने आईब्रो को आप शेप दे लीजिए। मैं अपनी आईब्रोज को शेप दे रही हूँ, क्योंकि जब हम बेस वगैरह लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो आईब्रो में पाउडर आ जाता है या बेस चली जाती है, तो उसका कलर फेड हो जाता है, मतलब वाइट लगने लगते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर कंपनी के आईब्रो जेल। ब्राउन कलर ही यूज़ कर रही हूँ मैं फ़िलहाल, और आईब्रो को थोड़ा सा ऊंचा सा पकड़ के फिर उस तरह से मैं शेप दे रही हूँ उसी जेल से। ये ब्राउन कलर है। अच्छा, जो इसके ये वाली जगह पर जो है, मैं थोड़ा लाइट लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको शेप दे रही हूँ। ये बिल्कुल क्लीन ब्रश है, इसमें कुछ भी नहीं है, सही है, तो ये क्लीन ब्रश से मैं शेप दे रही हूँ। अच्छा, जिस तरह की मुझे शेप रिक्वायर्ड है, उस शेप को देने के बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा आईब्रोज नज़र आई हैं, तो वो मैंने काट दी हैं। अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ ताकि आईब्रोज मज़ीद इन्हांस लगे और शेप नुमाया हो। तो ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल हल्का हल्का टैप कर देंगे, क्योंकि मेकअप ख़त्म होने तक ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके फेस के साथ, तो इसको हल्का हल्का टैप कर दें। और मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट फेस पाउडर मैक का। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये गोल्डन शेड, और इसको मैं अपने ब्रो बोन्स पे लगाऊंगी ताकि आईब्रोज उसका लुक थोड़ा एनहांस हो जाए और वो थोड़ा शाइन करे। ठीक है, नाउ थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लेकर मैं सॉकेट बनाऊंगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश, डायरेक्टली ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और ये इस मेकअप किट में मौजूद था ऑलरेडी, तो मैं उसी से
ब्लेंड कर रही हूँ। ब्राउन कलर आप देखिए मैं किस तरह से कहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सॉकेट बना रही हूँ, आपने भी इसी तरह से लगाना है। इस मेकअप का एंड लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी थोड़ा लाइट ब्राउन कलर है, इसको ब्लेंड करूँगी मैं इस डार्क ब्राउन के साथ। देखिए नाउ आई एम यूजिंग दिस पिंक कलर, दैट्स शार्प पिंक कलर, और इसको बाकी जो मेरा आई का हिस्सा है मैं उस पर लगा रही हूँ। देखिए और साथ साथ ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगेन डार्क ब्राउन कलर, इसको मैं आँखों के नीचे लगा रही हूँ और ब्लेंड भी करती रहूँगी साथ के साथ। ये मैं थोड़े पतले ब्रश से यूज लगा रही हूँ उसको, और उसके बाद ब्लेंड करूँगी। ये देखिए ब्लेंड कर दिया मैंने इसको। ब्लेंडिंग के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम अपना आई शेडो लिपस्टिक से भी लगा सकते हैं। तो मैंने रेड कलर यूज़ किया है और एक नया ब्रश लिया है, उसके ज़रिए मैं रेड कलर की लिपस्टिक जो है उसका हल्का हल्का शेड जो है एक टच दे रही हूँ अपने आईलिड पर, आई सॉकेट पे, दोनों तरफ, इधर यहाँ भी, इनसाइड भी और आउटर कॉर्नर पर भी, दोनों जगह ला के उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। सो दिस आई जस्ट नीड टू शो यू दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ लिपस्टिक्स एज eye shadows if we are not having a particular color, so why not if we have same color lipstick, or aise hi agar hame koi lipstick pasand hai, wanna use that, why not we use that as a eye shadow. So wo same eye shadow lipstick maine apne eyes ke niche bhi laga liya hai aur usko blend karna nahi bhule. Now I'm using this golden color and I'm going to apply over my eyes eyeball. तो वहाँ पे इसको टच कर देंगे और ब्लेंड कर देंगे। सी नाउ आई एम यूजिंग दिस गोल्डन कलर, डार्क गोल्डन कलर अंडर माय आईज, एंड सेम कलर आई विल बी यूजिंग इन माय इनर कॉर्नर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड देम एंड गिव अ लिटिल टच ऑफ पाउडर to give a neat look to your eyeshadows like this, just little. Now I'll do a little more touch of contour and then Maybelline pink blush, that's my favorite blush on, because this makeup look is so soft, so I'm gonna apply a little dark or more blush on. See, my cheeks are blushing, I'm giving more and more pink touch. This dark brown color I'm going to use to contour my nose. I'm not using too much dark color as I used for my cheeks and my jaw lines. It's a little lighter color. And then I'm going to apply liner. In this video you can see how I apply eyeliner. See, just make a line as per you like and then fill it. It's done. Now other eye, same. I'm going to use this. The best way to apply eyeliner is to take a mirror and put it downwards, like I'm holding the mirror. I'm also applying eyeliner on my lower eye using this black color, or I'm using too much English. This black color, say I'm going to give a darker line, you know, to enhance my socket, just outer corner, और थोड़ा थोड़ा लगा के उसको इन दो कलर्स के साथ मैं ब्लेंड कर दूंगी। So your eye look more big and prominent. Again, I must emphasize on blending. Then using this brown color again, I need blending. That's it. Just blend because I don't want to give a black line. कि वो ब्लैक लाइन नजर है। ये मेरे पास शिमर है, दैट इज मिनरल डस्ट, सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट माय ब्रो लाइंस, सी ब्रो बोन्स, एंड सेम आई विल यूज अंडर आई लाइक दिस, एंड आई विल ब्लेंड अगेन वेरी इजी। माय नोज आई विल आल्सो अप्लाई ऑन माय चीक जस्ट रफली, एंड देन आई विल ब्लेंड विद द ब्रश, सी, so it will give me a glowing look, glossy look and very soft look. I will also apply
to highlight my cheeks, forehead. It's time to curl my eyelashes because I'm going to apply mascara. And this is Maybelline mascara. You can use any mascara, which one you like, okay? And I'm going to use these local lashes using this transparent glue. This is lash glue, and I will apply like liner, and then I will apply my lash. तो ये लैश लगाने के लिए पहले सेंटर से लगाएं और उसके बाद की कॉर्नर को अच्छे से प्रेस कर दें. एंड देन वन इज डन, आई विल डू नेक्स्ट वन. सी, लग गई है, अच्छी लग रही है. अभी मेरे पास एक कलर स्टूडियो की लिपस्टिक है, काफ़ी पुरानी सी है, और ये पीच पिंक कलर है. ये मैं अप्लाई करूँगी और उसको मैं काफ़ी बार बार लगाऊँगी. और ये मेरे पास एक लिप पेंसिल है और पिंक लिपस्टिक है, सॉरी शॉकिंग पिंक लिप लाइनर है. और इससे मैं मज़ीद सिर्फ लाइन बनाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा बार बार मैं उसको लगाऊंगी ताकि लिप्स थोड़े प्लम्प भी लगे. नाउ मेरे पास कालसोना का ये ग्लिटर है, कोई भी ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद मैं अगेन सेम लिपस्टिक लगा रही हूँ, ठीक है. और ये मेकअप तैयार हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और इसमें आप बाल भी खोल सकते हैं. नॉर्मली मैं अपने बालों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल सिल्की हैं माशाल्लाह से. और ये मैंने लेंसेस लगाए हैं. ये मेकअप आप सब चीज़ों के साथ कर सकते हैं, रिसेप्शन की ब्राइड कर सकती हैं, इंगेजमेंट की, निकाह की भी कर सकती हैं. और अगर आप खुद शादी में जा रहे हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, या अगर आपने मेरे जैसा कोई सिंपल ड्रेस पहना हुआ है तो इट विल गो फाइन. अदरवाइज़ अगर आपने हैवी ड्रेस पहना है तो भी ये सूट करेगा परफेक्टली, बिकॉज हैवी ड्रेस के साथ इस तरह का मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, यकीन कीजिए. और आप देख ही रहे हैं कि मेकअप के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो कितना अच्छा लग रहा है. अगर आप हिजाब करते हैं, सर कवर करते हैं, तो भी बहुत प्यारा लग रहा है, बाल भी खोल सकते हैं. और अगर आपको जो भी आपको हेयर स्टाइल पसंद हो वो आप कर सकते हैं, देखिए प्यारा लग रहा है. मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.